अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बेटे को कोरोना वायरस से मुतालिक गलत मालूमात पर मबनी ट्वीट करना महंगा पड़ गया। ट्विटर ने अकाउंट आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के ट्विटर अकाउंट पर पाबंदी 12 घंटे के लिए लगाई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्विटर अकाउंट मुअत्तल होने की वजह डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने कोरोना वायरस के इलाज में मददगार साबित होने वाली दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के बारे में वीडियो शेयर की थी, जिसे अमेरिकी सदर ने अक्सर कोरोना वायरस के मुमकिन इलाज के तौर पर पेश किया। इस दवा पर बड़े पैमाने पर होने वाली तहकीक से ये जाहिर हुआ कि ये दवा कोरोना वायरस के इलाज के तौर पर मौसर नहीं है। इधर ट्विटर की जानिब से कहना है कि वीडियो से ट्विटर की कोरोना से मुतालिक गलत मालूमात की पॉलिसी के खिलाफ वर्जी हुई, जिसकी वजह से इंतजामिया ने अकाउंट आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया है और वीडियो को हटा दिया है। ट्विटर की पॉलिसी के मुताबिक इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ट्विटर को ब्राउजर करने के अलावा बराह रास्त पैगामात भेजने के काबिल होंगे।